आज इस खास रिपोर्ट में हम आपसे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में बात करने वाले हैं। अमिताभ बच्चन से जुड़ा वो किस्सा जिसके साथ 5,000 रुपए के तार जुड़े हैं। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने आज से ठीक 50 साल पहले बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था। के अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपना बॉलीवुड करियर उन्होंने शुरू किया। इस फिल्म को बिग बी ने 15 फरवरी को साइन किया, लेकिन ये फिल्म करीब 50 साल पहले आज ही के दिन रिलीज हुई थी। बता दें आपको, फिल्म इंडस्ट्री को बिग बी नाम का सितारा एक्टर टीनू आनंद की वजह से मिला। इस फिल्म के लिए टीनू आनंद लीड रोल में थे। अमिताभ का रोल उनके दोस्त का था। टीनू आनंद फिल्म में एक कवि का किरदार निभा रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किन्हीं निजी कारणों की वजह से टीनू ने ये फिल्म छोड़ दी और इसके बाद लीड रोल बिग बी को मिल गया। यहीं से बिग बी के एक्टर बनने का सफर शुरू हुआ। गौर हो कि इस फिल्म के लिए अमिताभ को सिर्फ 5,000 रुपए की फीस मिली थी। इसके बाद बिग बी ने जंजीर, हम, सिलसिला, कुली, सत्ते पे सत्ता, कभी कभी, चुपके चुपके और पीकू जैसी हिट फिल्में दी। बिग बी ने बॉलीवुड में 50 साल पूरे कर लिए हैं। कुछ समय पहले अपने इंस्टा अकाउंट पर एक फोटो शेयर कर उन्होंने बताया था कि ये तस्वीर फिल्मों में काम पाने के लिए खिंचवाई थी, 51 साल पुरानी। अब इन सबके बीच में बिग बी ने 50 साल जब पूरे कर लिए हैं, तो आज अपने पिता की एक तस्वीर शेयर कर बॉलीवुड में 50 साल पूरी करने पर अभिषेक बच्चन ने अपने पिता को बधाई दी है। खैर, बिग बी ने 50 साल पूरे किए हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है आगे आने वाले 5 सालों तक वो अपने चाहने वालों को एंटरटेन करने का मौका जरा भी नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।